मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जैसे वो बता रहे हैं कि हम खुद चूज कर सकते हैं कि वेदर वी आर गोइंग टू बॉर्न अ बेबी गर्ल और बॉय. सीरियसली ये ना सबसे इलॉजिकल बात है जो मैं आज की स्टेट में सुन रही हूँ, क्योंकि बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हम सब आजकल साइंस पढ़ लेते हैं, एट्थ क्लास में ही हमें सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि कैसे मेल होता है कैसे फीमेल होता है. तो सबको पता है कि विमेंस कैन नॉट डू एनीथिंग, उनको उनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है बच्चे का सेक्स, वो तो मेल के ऊपर डिपेंड करता है. एंड स्टिल यू आर गिविंग मेडिसिन टू फीमेल, ये सरासर इलॉजिकल बात है. और दूसरी बात, अगर आप मेल्स को भी किसी तरीके की दवाई या कुछ देते हो, मुझे नहीं लगता क्रोमोसोम्स पे उनका कोई असर पड़ेगा, बिकॉज वो तो सेलुलर लेवल पे है ना. जो लोग साइंस पढ़ते हैं वो मेरी बातें आसानी से समझ. बात ये है कि चलो असर डाल भी दे वो, लेकिन क्या ये सही है? एक्चुअली अगर वो असर डाल भी रहे हैं ना, तो वो एक बहुत नेगेटिव कॉज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत नेगेटिविटी फैला रहे हैं. एट दिस पॉइंट हमने कई साल पहले भी देखा होगा कि हमारी लड़कियां जीत रही हैं गेम्स में अवार्ड्स और समथिंग, और हमारे मेल्स ब्यूटी पैजेंट्स जीत रहे हैं, और वो वाइडली सबने बहुत अच्छे तरीके से उसे अपनाया था, सबने बहुत प्रमोट भी किया था उसे. और उसी के कुछ सालों बाद ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब सीरियसली वो अभी तक वो दिखा रहे हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं. वो कितना ही पढ़ लें वो वही स्टैंड करते हैं, उनकी मेंटालिटी नहीं बदलने वाली चाहे कुछ हो जाए. एजुकेशन मेंटालिटी चेंज करती है, पर मुझे नहीं लगा उनकी एजुकेशन ने उनकी मेंटालिटी चेंज करी.